नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एप्पल का लोगो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली टूल्स पर जाना है और टूल्स पर लेना है हमें एक एलिप्स। एलिप्स लेकर के हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको सिलेक्शन टूल लेना है और इसका डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना है और इसके जस्ट ऊपर चले जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको इन दोनों एंगल्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, दोनों एलिप्स को सिलेक्ट करके सीधा दबा देना है, सी से सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इतना, और वापस से शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करके सीधा दबा दीजिए सी से सेंटर। और उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस ट्रिम ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ट्रिम से हमारा ये ऑब्जेक्ट कट जाएगा ऊपर से, और उसके बाद शिफ्ट के साथ इन दोनों को वापस से सिलेक्ट करना है और बी दबा देना है। बी से होगा क्या, हमारा जो एंगल होगा वो बॉटम में आ जाएगा और उसको हम एरो की मदद से नीचे ले आएंगे, या फिर पकड़ करके भी आप सीधे नीचे यहाँ पे ला सकते हैं। इस तरीके से ऊपर का एंगल हमें ज़्यादा काटना है, नीचे का एंगल हमें थोड़ा सा कम काटना है। दोनों को वापस से सिलेक्ट करके सी दबा करके यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, और उसके बाद इसको उठा करके यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करके इसको भी हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो तीनों तरफ से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल क्यू और F10। कंट्रोल क्यू F10 करने के बाद इस वाले एंगल को जूम करके हम इस एरो को उठा करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इस एरो को भी उठा करके हम यहाँ ऊपर की तरफ रख लेंगे। उसके बाद बीच वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी देखेंगे कॉर्नर सा नजर आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ, और इधर भी डबल क्लिक करके इस पॉइंट को फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे डिलीट करके। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम डबल क्लिक करके और डबल क्लिक करके इस पॉइंट को यहाँ से भी हम खत्म कर देंगे। तो ये बन गया हमारा ऊपर का शेप। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे की ओर आने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम स्ट्रेटली नीचे की तरफ खींच लेते हैं इस तरीके से, और वैसे ही हम इसको भी नीचे की तरफ ऐसे खींच लेते हैं और उसको पकड़ करके नीचे की तरफ थोड़ा सा कर देते हैं हम लोग। ये देखिए सेट हो गया। इसके बाद सिलेक्शन टूल लेना है, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देना है आपको, और उसके बाद यहाँ से आपको एक एलिप्स फिर से लेना है, एलिप्स ड्रॉ करना है, और उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर के इसी का डुप्लीकेट एलिप्स फिर से आपको ले लेना है, ये बिल्कुल इस तरीके से, और इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ई दबा देना है इसे इक्वल। और उसके बाद यहाँ से आपके आपके सामने ऑप्शन नजर आएगा इंटरसेट का, आप इंटरसेट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस सर्कल को निकाल कर डिलीट कर दीजिए, इस वाले सर्कल को भी निकाल के डिलीट कर दीजिए। ये बन गया आपके पास एंगल। इस एंगल को उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा इसको पतला कर लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद डबल क्लिक करके इसको आप थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए इस तरीके से, और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से। दोनों एंगल्स को एक साथ सेलेक्ट करिए, सॉरी दो एंगल्स आ गए, एक को निकाल करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए क्योंकि डुप्लीकेट हो गया इसका। अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, इसके आउटलाइन का कलर भी रेड कलर कर दीजिए। तो दोस्तों ये बन गया हमारा एयरटेल का लोगो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।